हरियाणा का सबसे पहले रुख करेंगे। सोनीपत पहुंचे हैं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। जी हां, सोनीपत पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी पर जमकर बरसे हैं ओपी चौटाला। आपको बता दें बीजेपी को लुटेरी सरकार बताया गया, प्रधानमंत्री को तानाशाह बताया गया और साथ ही आपको बता दें इससे पहले भी ओपी चौटाला सीएम मनोहर लाल को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं और अब एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला सोनीपत में पहुंचे हैं और एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनीपत से जयदीप राठी ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जयदीप, सोनीपत में एक बार फिर से इनेलो सुप्रीमो ने बीजेपी को घेरा, पहले भी ऐसी बयानबाजी की गई और एक बार फिर से जो है बीजेपी को घेरा क्या? जी सीनम, बिल्कुल देखिएगा, इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जो है ओपी चौटाला आज यहाँ सोनीपत पहुंची थी और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से जब बातचीत कर रहे थे या कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उस समय जो है बीजेपी को निशाने पर लिया, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को लुटेरी सरकार बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह करार दे दिया और कहा कि किस नेता ने पार्टी में आते अपने सीनियर जो नेता है उनको निशाने लगा दिया हो, तानाशाही से पार्टी को चला रहे हो, तो वो उस नेता से देश के विकास की कैसे की जाती है। और एक बार फिर उन्होंने पहले भी लगातार हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर जो है अमर्यादित भाषा का जो है प्रयोग करते रहे हैं। आज भी उन्होंने एक बार फिर कहा कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो जात से नहीं काम से खट्टर हैं और हरियाणा में जो पशु खराब हो जाते हैं, नकारा हो जाते हैं, काम के नहीं रहते हैं उन्हें खट्टर कहा जाता है और मौजूदा जो मुख्यमंत्री है वो जात से नहीं अपने काम से खट्टर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयदीप राठी तमाम जानकारी के लिए।